हेलो दोस्तों, विंडोज 11 24S2 अक्टूबर के 1 तारीख को रिलीज हो चुका है, लेकिन सभी को ये अपडेट नहीं मिल रहा है। देखो, अगर आपका प्रोसेसर सपोर्टेड है तो आप सेटिंग्स में जाके एक बार चेक कर सकते हो कि अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो सिंपली डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ये विंडोज 11 24S2 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेथड है सबसे इजी मेथड, जो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सेटिंग्स में जाके चेक करना है। अगर आप अपना खुद का वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर को ट्राई कर सकते हो। होस्टिंगर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को अपडेट नहीं मिल रहा है उन लोगों को क्या करना है? जिन लोगों का प्रोसेसर सपोर्टेड है फिर भी अपडेट नहीं मिल रहा है, सबसे पहले विंडोज 11 24S2 का ISO फाइल आपको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है विंडोज डाउनलोड, सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आएगा विंडोज 11 डाउनलोड, उसको आपको क्लिक करना है। अब इस पेज में आने के बाद ना आप सिंपली विंडोज का अपडेट असिस्टेंट टूल डाउनलोड करके उसको अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से विंडोज 11 मल्टी एडिशन आपको सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे विंडोज 11 24S2 आपके लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है, वहाँ पे आपको ISO फाइल दिख जाएगा जो आपने डाउनलोड किया है, उसको डबल टैप करके ओपन करना है। इस फोल्डर के अंदर एक सेटअप फाइल देखने को मिलेगा, उस पर आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कुछ इस तरीके से आपका पीसी अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, ये दो मेथड रहा उन लोगों के लिए जिन लोगों का पीसी में सपोर्टेड प्रोसेसर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास सपोर्टेड प्रोसेसर नहीं है, यानी कि आपके पास अगर अनसपोर्टेड प्रोसेसर है, तो उसके लिए आपको एक और टूल डाउनलोड करना है। आपको गूगल में सर्च करना है रूफुस। अब रूफुस का जो साइट आ जाएगा आपको उसको ओपन कर लेना है, सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको रूफुस को ओपन कर लेना है। ओपन कर दें, आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करना है और डाउनलोड फोल्डर में जाके विंडोज 11 24S2 ISO फाइल को सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अभी आपको एक मिनिमम 8 GB का पिन ड्राइव आपका पीसी में इंसर्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप अनसपोर्टेड पीसी के लिए बना रहे हैं तो ये सारा ऑप्शन आपको क्लिक करना है, जैसे कि टीपीएम 2.0 और रैम और ये सारा चीज़ चेक जो है स्किप करेगा, इसको इनेबल करना है। इसके बाद आप चाहे तो ये सारा ऑप्शन भी चेकआउट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको फिर से ओके पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक जैसे ही करोगे आपका पेन ड्राइव में जितना भी डेटा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना है जब तक कि कंप्लीट नहीं होता है। अब जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको अपना पीसी को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको अपना पीसी का बूट मेनू को एक्सेस करना है। बूट मेनू को कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए आप इस फोटोग्राफर में ले सकते हो, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। अब बूट मेनू के अंदर आने के बाद आपको अपना पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है और यहाँ पे इस वाले स्क्रीन पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कीवर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको इंस्टॉल विंडोज 11 इसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे नीचे जो चेक बॉक्स है इसको आपको इनेबल कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा इंतजार करना है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप चाहे तो आप डुअल बूट कर सकते हो, या आप डुअल बूट नहीं करना चाहते हो, क्लीन इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना डिस्क 0 का सारा ड्राइव क्लीन करना है, एक एक करके सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है। फिर लास्ट में आपको एक अनएलोकेटेड स्पेस दिख जाएगा डिस्क 0 में, उसको सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको दिखाएगा कि विंडोज 11 प्रो या कोई भी वर्जन, जो भी वर्जन आपका इंस्टॉल हो रहा है वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, आपको इंतजार करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है और इंस्टॉलेशन के बीच आपका पीसी बार बार रिस्टार्ट हो सकता है, आपको डरना नहीं है, जस्ट पेशेंस लेके वेट करना है। देखो इस वाले स्क्रीन पे आपको अपना विंडोज 11 को सेटअप कर लेना है। कंग्रेचुलेशंस, विंडोज 11 24S2 हैज बीन इंस्टॉल्ड टू योर पीसी।